गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इन दिस वीडियो ऑफ क्लास सेवेंथ फिजिक्स चैप्टर मोशन एंड टाइम विल बी डेलिंग विद टॉपिक्स लाइक सैंड क्लॉक एंड सिंपल पेंडुलम सो लेट्स स्टार्ट विदर्म सैंड क्लॉक सैंड क्लॉक वाज अ डिवाइस दैट वाज़ यूज्ड बाय रोम टू मेजर टाइम एक डिवाइस था एक इक्विपमेंट था एक मशीन था जिसको रोमन्स लोग रोमन्स किसे बोलते हैं हम लोग रोम में जो रहते हैं रोम कंट्री है ठीक है दूज टू मेजर फो द यूज इट टू मेजर टाइम किस परपज के लिए यूज करते थे टाइम को मेजर करने के लिए नौ सी यर कैसा स्ट्रक्चर है ये दो एक कौन आपका इधर है और एक कौन इधर है तो टू कौनस वर केप्टन इन्वर्टेड पोजिशन एक दूसरे पे उल्टा करके रखा हुआ है ठीक है ऑपोजिट ये ऐसे और ये ऐसे एक दूसरे पर ऑपोजिट करके रखा हुआ है और यहाँ से एक होल होता है जिसके थ्रू सैंड फ्रॉम ए यूज टू फॉल इन बी ना ये अपर चैम्बर ए में सैंड को हम लोग फिल करते हैं वी यूज टू फिल अपर चैम्बर ए विथ सैंड एंड स्लोली एंड स्टीडली सैंड फ्रॉम ए फॉल्स इन टू बी ए से सैंड धीरे धीरे बी में गिरता है ठीक है सैंड अभी कहाँ से आ रहा है सैंड ए से बी में आ रहा है ठीक है ना वेन इट इज़ फॉलिंग कंप्लीटली जब पूरा सैंड ए से बी में गिर जाता है उसके बाद हम लोग इसको ऐसे टर्न करते हैं ऐसे टर्न करेंगे तो क्या होगा पहले ए ऊपर था अब ऐसे टर्न करेंगे तो बी ऊपर आ जाएगा आपके पास नाउ सैंड अब यहां पे है और ये खाली है तो फिर यहां से सैंड विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम बी टू एम टी चैंबर ए बी से ए में ठीक है सैंड अब बी से ए में आएगा तो क्या ऑब्जर्व किया गया था कि जो भी टाइम सैंड को ए से बी में फॉल करने में लगा था वही टाइम सैंड को बी से ए में फॉल करने में लगा ठीक है अब प्रिंसिपल क्या था इसका इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल सैंड फ्रॉम अपर चैंबर फॉल्स इन टू लोअर चैम्बर इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम ए से बी में जितना टाइम लगा गिरने में उतना ही टाइम बी से ए में लगा ठीक है ये टाइम पीरियड क्या था फिक्स था ठीक है क्योंकि ये टाइम पीरियड फिक्स था इसलिए हम लोग इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं टाइम का मेजरमेंट में आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है इट्स अ डिवाइस विच कंटेन्स अ मास और अ वेट हंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाई यूज ऑफ स्ट्रिंग फिक्स पॉइंट से हंग किया गया है ठीक है लटकाते हैं हम लोग फिक्स पॉइंट से uh, किसको एक मास एक मास को बाई यूज ऑफ स्ट्रिंग अब इसको एक्जा... हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कैसा है डायग्राम देखो आपका ये एक फिक्स पॉइंट हो गया ये आपका स्ट्रिंग हुआ और ये आपका मास हुआ तो ये पूरा ये फिक्स पॉइंट ये स्ट्रिंग और ये मास ये पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल पेंडुलम ठीक है अब ये मास को क्या बोलते हैं बॉब क्या बोलते हैं बॉब देखो आप यहाँ पे मास हंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाय यूज ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड बॉब क्या बोलते हैं हम लोग फिक्स पॉइंट से जो मास को हम लोग हैंग करते हैं बाय यूज ऑफ स्ट्रिंग उसको क्या बोलते हैं बॉब नेक्स्ट इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेशन यानी टू मीन्स टू एंड फ्रो मूवमेंट मीन्स यहां से आगे फिर आगे से पीछे आ, यहां से फिर आगे आगे से पीछे ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे मूवमेंट को ऑक्सीलेशन बोलते हैं ठीक है एंड मोशन को क्या बोलते हैं ऑक्सीलेट्री मोशन क्या बोलते हैं ऑक्सीट्री मोशन नेक्स्ट थिंग देखो आप द टाइम टेकन बाई पेंडुलम टू कम्प्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड अब एक ऑक्सीलेशन पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है पेंडुलम को क्या बोलते हैं उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं क्या बोलते हैं टाइम पीरियड ठीक है पहला चीज क्या था ऑक्सीलेशन किसको बोलते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं ऑक्सीलेशन और किस टाइप का मोशन है एक ऑक्सीलैट्री मोशन है और जो टाइम इसमें लगता है उसको क्या बोलते है? हैं टाइम पीरियड अभी क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका डेफिनेशन में है वन ऑक्सीलेशन ये क्या होता है वन ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं हम लोग वन ऑक्सीलेशन को हम लोग दो वेज से डिफाइन कर सकते हैं दो तरीका से हम लोग समझ सकते हैं पहला चीज आपको यह ध्यान रखना है कि ऑक्सीलेशन एक साइकिल होता है कंप्लीट साइकिल होना चाहिए ठीक है ऑक्सीलेशन एक साइकिल होता है जैसे यहां से यहां और यहां से यहां या फिर यहां से ऐसे यहां फिर यहां और यहां तो कंप्लीट हो गया साइकिल या यहां से यहां यहां से यहां और फिर यहां से वापस यहां तो तीन तरीका हो गया आपके पास ये पोजिशन को क्या बोलते हैं एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम और ये मीन ठीक है अब फर्स्ट तरीका देखते हैं जिससे हम लोग वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन बोल सकते हैं तो जब भी सपोज करो इसको हम लोग यहां तक लाए वी हैव स्टे स्टिल हियर एंड वी लीव दिस तो बी से सी जाएगा और सी से वापस बी आएगा तो इसे हम लोग कहेंगे एक्स ऑक्सीलेशन क्या बोलेंगे वन ऑक्सीलेशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एंड देन बैक टू एक्सट्रीम पोजिशन विल कॉल वन ऑक्सीलेशन और सेकेंड तरीका है आपको ए से स्टार्ट हुआ सी गया सी से वापस बी और बी से वापस ए ठीक है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे एक ऑक्सीलेशन और नेक्स्ट ए से गया बी बी से सी और सी से बैक ए इसके भी क्या बोलेंगे हम लोग वन ऑक्सीलेशन तो वन ऑक्सीलेशन को दो तरीके से बोल सकते हैं एक एक्सट्रीम पोजीशन से सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन तक एंड बैक टू द सेम एक्सट्रीम पोजीशन और स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन देन टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक टू मेन पोजिशन इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग वन ऑक्सीशन दट्स ऑल इन दिस वीडियो थैंक यू गुड मॉर्निंग एवरी वन इन दिस वीडियो विल बी डीलिंग विदायग्राम ऑफ सिम्पल पेंड्युलम एंड इट्स प्रिंसिपल वॉट आर द बेसिस ऑन विच इट वर्स सो लेट स्टार्ट स्टडिंग दिस डायग्राम ऑफ सिंपल पेंड्युलम इन लास्ट वीडियो आई टॉट यू दिस एज अ Rigid support or fixed point. This was called as string, and this round surface, point A, this was called as bob, and this whole equipment is called as simple pendulum. Okay. This is called as fixed rigid point or fixed point. This is called as string, and this one is called as bob, and whole structure is called as simple pendulum. ठीक है अब ये टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते थे ऑक्सीलेशन ठीक है और वन ऑक्सीलेशन किसे बोलते थे हम लोग या तो फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एंड बैक टू एक्सट्रीम पोजिशन ये पहला डेफिनेशन था और सेकेंड फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम देन फ्रॉम दिस एक्सट्रीम टू दिस एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन क्या बोलते हैं इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं वन ऑक्सीलेशन क्यों क्योंकि ऑक्सीलेशन एक साइकिल है ठीक है हम लोग आगे इसमें पढ़ते हैं कुछ कुछ चीज़ है हियर इटालियन साइंटिस्ट गैलेलियो गैलेली डिस्कवर दैट व्हेन बॉब इज मेड टू स्विंग फ्रीली इट ऑलवेज कंप्लीट्स वन टू एंड फ्रो मोशन दैट इज ऑक्सीलेशन टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग ऑक्सीलेशन इन एग्जैक्टली सेम टाइम यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में सेम टाइम लगा था ठीक है एक ऑक्सीलेशन को सेम टाइम में कंप्लीट करता है द मूवमेंट ऑफ बॉब्स शूज पीरियोडिक मोशन ऑक्सीट्री मोशन शो करता है या प्रियोडिक मोशन शो किसे बोलते हैं? आफ्टर प्रियोडिकरस्ड इंटरवल जो फिक्स इंटरवल में रिपीट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग प्रियोडिक मोशन जो मोशन किस में रिपीट करता है फिक्स्ड इंटरवल में क्या बोलते हैं उसे प्रियोर्डिक मोशन एंड दे कैन बी यूज टू मेजर टाइम क्यों जैसे कि लास्ट वीडियो में सैंड क्लॉक के बारे में मैंने बताया था कि वहाँ क्या होता था फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में सैंड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में इट यूज टू फॉल तो क्या था वहाँ टाइम पीरियड फिक्स था सिमिलरली यहाँ भी टाइम पीरियड फिक्स्ड है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है यहाँ से यहाँ जाने का और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पीरियड क्या है फिक्स्ड है ठीक है सिंस द टाइम पीरियड इज फिक्स्ड सो इट कैन बी यूज्ड एज अ इक्विपमेंट टू मेजर टाइम टाइम को मेजर करने में यूज कर सकते हैं इसका किसका सिंपल पेंडुलम का ठीक है ये किस किसका डिस्कवरी था गैलेलियो, गैलेली क्या थे ये साइंटिस्ट थे कहाँ के इटली इट्स अ कंट्री इसे क्या बोलते हैं हम लोग बॉब इसे क्या बोलते हैं स्ट्रिंग और ये फिक्स रिजिड सपोर्ट ये बी और सी को क्या बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन और ए को मेन पोजीशन के आई थिंक इट्स क्लियर टिल्स मूव टू नेक्स्ट पेज हाउ एवर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी चेंज बाई चेंजिंग देंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये इसको चेंज करेंगे अगर हम लोग तो क्या होगा टाइम पीरियड चेंज होगा ठीक है या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को चेंज करने पर टाइम पीरियड चेंज होगा कैसे चेंज होगा वो देखते हैं लॉन्ग स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग लॉन्ग होगा स्ट्रिंग क्या होगा लॉन्ग होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा लॉन्गर टाइम पीरियड होगा क्या होगा लॉन्गर टाइम पीरियड क्यों क्योंकि स्ट्रिंग यहां से जब ऑक्सीट करेगा इस पोजिशन से तो ये लंबा डिस्टेंस कवर करेगा इधर से इधर और इधर से इधर तो लंबा डिस्टेंस कवर करने में क्या टाइम ज्यादा लगेगा ऐसे और यही स्ट्रिंग अगर यहां तक हो शॉर्ट हो तो ये यह यही डिस्टेंस कवर करेगा ना तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा शॉर्ट होगा ठीक है तो दो अगर स्ट्रिंग लंबा हो इफ इट इज लॉन्ग देन टाइम पीरियड विल बी लार्ज टाइम पीरियड विल बी लार्ज ओके एंड इफ स्ट्रिंग इज स्मॉल टाइम पीरियड विल बी स्मॉलर टाइम पीरियड क्या होगा छोटा होगा ठीक है दोनों चीज हेंस वी कैन से दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सुलेशन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या करेगा टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सुलेशन को चेंज करेगा नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग लॉन्गर टाइम पीरियड शॉर्ट स्ट्रिंग शॉर्टर टाइम पीरियड और स्मॉलर टाइम पीरियड ओके नेक्स्ट है अ पेंडुलम ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर लेंथ टेक्स एग्जैक्टली वन सेकेंड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन और अगर वो जो लेंथ है आपका स्ट्रिंग का वो अगर 25 सेंटीमीटर का है तो वन ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगता है वन सेकेंड ठीक है आपके पास एक पेंडुलम क्लॉक होता है पेंडुलम क्लॉक किस बेसिस पे काम करता है सिंपल पेंडुलम के ऑक्सीलेशन के बेसिस पे किस बेसिस पे सिंपल पेंडुलम के ऑक्सीलेशन के बेसिस पे ठीक है नेक्स्ट है आपके पास कॉज कॉज इज ए सब्सटेंस विच पार्टिकल्स वाइब्रेट वेरी फास्ट एंड वेरी प्रिसाइज रेट बहुत फास्ट ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करता है एंड प्रिसाइज रेट मतलब फिक्स टाइम पीरियड में मूव करता है प्रिसाइज मतलब एकूरेट ओके okay? इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेज इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेज में क्या का, किस चीज़ का यूज होता है कोस्ट का किस चीज़ का कोस्ट का ठीक है कोस्ट का क्यों क्योंकि इसका रेट ऑफ वाइब्रेशन बहुत फास्ट है बहुत तेज ऐसे वाइब्रेट करता है और सेकेंड थिंग कि रेट प्रिसाइज है मतलब फिक्स्ड है ठीक है और ये चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मैंने टिक कर दिया यहाँ पे कि अ कोर्स्ट क्लॉक इज मोर एक्यूरेट देन पेंडुलम क्लॉक कोज क्लॉक एक पेंडुलम क्लॉक से ज़्यादा एक्यूरेट होता है ठीक है यहाँ तक क्लियर होगा सबको दैट्स ऑल फॉर टुडे टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग थैंक यू